शांति 22/11/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रश्न, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? उत्तर, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है। बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। दूसरा, मुरली का सिमरण करना है, जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मनाभाव का व्रत रखना है। वरदान, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। ओम शांति। आप दृष्टि जाऊं आप दृष्टि।